गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? मैं हिदायत और आप देख रहे हो मेडिकस बायोलॉजी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हेट्रोकोमिया। हम ये जानेंगे कि हेट्रोकोमिया क्या होता है और हेट्रोकोमिया किसे कहते हैं, इट मीन्स ये होता क्या ना। तो सबसे पहले हेट्रोकोमिया को जानने से पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये जो आंखों की बात आती है ना, तो सबसे पहले हमारी जो चाहत होती है कि यार ये भूरे रंग वाले जो होते हैं बड़े अच्छे लगते हैं यार, भूरे जो आई वाले होते हैं यार, ये ग्रीन लाइक जो ब्लू वगैरह जो होते हैं ये बड़े अच्छे लगते हैं यार। तो क्या आपने ये सोचा है कभी कि हाँ ये होता क्यों है, ये ब्लू ग्रीन वाले जो होते हैं उसको कहते क्या? तो बेसिकली उसको ही कहते हैं हम हेट्रोक्रोमिया। तो हेट्रोक्रोमिया आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, हेट्रोक्रोमिया। हेट्रोक्रोमिया जो है वो ग्रीक से आया हुआ लाइक टू वर्ड्स है जिसका जो मीन्स होता है हेट्रो। हेट्रो मीन्स जो होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। अब क्रोमिया, क्रोमिया का मतलब जो होता है वो क्रोमा से आया हुआ जिसका मीन्स जो होता है कलर होता है। इट मीन्स कि हेट्रोक्रोमिया जो डिफरेंट कलर होता है, तो डिफरेंट कलर कौन से होते हैं यार? इरिडियम। इरिडियम मीन्स जो होते हैं पीपल्स जो होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। इट मीन्स कि जो हमारी जो आंखों का जो डिफरेंट कलर होता है उसे ही हेट्रोक्रोमिया कहते हैं। तो स्पष्ट ये हमें हो गया कि हेट्रोक्रोमिया जो कहते हैं उस आंख के जो अलग जो रंग होते हैं उसे हम हेट्रोक्रोमिया कहते हैं। समझ में आ गया। तो बात करते हैं कि यार हेट्रोक्रोमिया क्या ये डिजीज है? बिल्कुल नहीं, हेट्रोक्रोमिया कोई भी डिजीज नहीं है। लेकिन इसे जानने से पहले तो पता करना पड़ेगा ना ये डिजीज है या नहीं है। तो स्पष्ट हो गया कि ये भी डिजीज नहीं है। तो क्या ये डिजीज नहीं है तो हम इसे नहीं जाने? जरूरी है यार, जानना जरूरी है कि होता क्या है। तो हेट्रोक्रोमिया को जानने से पहले हम इसके टाइप्स को जानते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स को जानेंगे और समझ जाएंगे कि हेट्रोक्रोमिया होता क्या है। तो हेट्रोक्रोमिया के जो बेसिकली जो पार्ट्स होते हैं, कहें तो इसके जो पार्ट्स, इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसका जो थ्री पार्ट्स होता है वो सेंट्रल हेट्रोक्रोमिया एंड कंप्लीट हेट्रोक्रोमिया, और थर्ड वन जो होता है वो सेक्टोरल हेट्रोक्रोमिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सेंट्रल हेट्रोक्रोमिया होता क्या। तो सेंट्रल हेट्रोक्रोमिया की अगर बात करें तो सेंट्रल हेट्रोक्रोमिया जो होता है वो बेसिकली हमारी जो पीपल्स होती है, पीपल्स का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है कहे तो वो डिफरेंट होता है, और एक्सटर्नल जो पार्ट होता है पीपल्स का वो डिफरेंट होता है, और पीपल्स का जो इंटरनल पार्ट होता है वो डिफरेंट होता है। समझ रहे हो? उसी को हम सेंट्रल हेट्रोक्रोमिया कहते हैं। तो सेंट्रल हेट्रोक्रोमिया के अंदर बेसिकली मेलानिन नामक हॉर्मोन्स जो होते हैं वो कम होते हैं, जिसके कारण जो इसका जो कलर होता है वो लाइटली होता है, जिसके कारण इसे हम सेंट्रल हेट्रोक्रोमिया कहते हैं। तो हम बात करते हैं कि कंप्लीट हेट्रोक्रोमिया किसे कहते हैं। तो कंप्लीट हेट्रोक्रोमिया जो होता है वो बेसिकली कंप्लीट हेट्रोक्रोमिया उसे कहते हैं जिनकी एक जो आई होती है वो डिफरेंट होती है, एक आई डिफरेंट होती है। इट मीन्स कि एक ब्लू भी हो सकते हैं और एक ब्राउन भी हो सकते हैं, तो उसे कहे तो कंप्लीट हेट्रोक्रोमिया कह देंगे। तो थर्ड वन है वो सेक्टोरल हेट्रोक्रोमिया। सेक्टोरल हेट्रोक्रोमिया उसे कहते हैं जिसके अंदर पीपल्स जो होती है हमारी, इस यहाँ पे गौर करने वाली बात है, सेंट्रल में और सेक्टोरल में। तो सेक्टोरल हेट्रोक्रोमिया जो होती है, सेक्टोरल हेट्रोक्रोमिया जो होती है हमारी जो पीपल्स होती है पीपल्स के अंदर ही, उसके अंदर एक्सटर्नल इंटरनल था, इसके अंदर पीपल्स के अंदर ही अंदर के जो एक तरफ से के जो पार्ट होते हैं वो ज़्यादा डार्क होते हैं, एक जो होते हैं वो कम होते हैं, यानी दोनों के जो कलर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से जो होता है ना वो धब्बे लाइक जो दिखने में आता है, जिसकी वजह से हम उसे सेक्टोरल हेट्रोक्रोमिया कहते हैं। तो आप जानते हैं कि यार ये होता कैसे, ये ऐसे ही हो जाता है क्या? ऐसे नहीं होता यार। इसका होने का जो कहे तो एक जेनेटिक हेरिडिटी भी कह सकते हैं, इसके होने का एक जेनेटिक हेरिडिटी हो सकता है। अगर आपके फादर को है तो मे भी आपको भी हो सकता है, अगर आपके फादर को नहीं है तो आपके जो उसके जो पिछले जनरेशन है ना, इट मीन्स आपके जो दादाजी थे, अगर आपके दादाजी के अंदर वो ये वाले हेट्रोक्रोमिया रहे होंगे तो आपके अंदर भी आ सकता है। एक तो ये है। तीसरी, अगर सेकेंड वन की बात करें तो सेकेंड वन जो होता है ना वो अगर आपके आई में लाइक इंजरी वगैरह हो सकती है या हो गई हो तो आपको ना ये हेट्रोक्रोमिया डिजीज हो सकता है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में डायबिटीज वगैरह वाले जो पेशेंट होते हैं उन लोगों में भी ये कभी कभी देखने को मिलता है, वैसे ये रेयरली केस होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और शायद टॉपिक भी पसंद आया होगा। तो ऐसे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकस बायोलॉजी को सपोर्ट करें। तो ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।